सो आज हम बात करेंगे उसास के ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करें एंड उसके हाउ टू प्लान इट. सो दिस इज द लास्ट क्लॉज ऑफ सिक्स क्लॉज नंबर 6.22. सो व्हेन प्लानिंग हाउ टू अचीव उसास ऑब्जेक्टिव द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन. तो जब हम प्लान कर रहे हैं कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करें तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है. सो व्हाट विल बी डन, हमें क्या करना है. व्हाट रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड, तो हमें उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या रिसोर्स की ज़रूरत है. हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, कौन उस ऑब्जेक्टिव के लिए रिस्पॉन्सिबल है. व्हेन इट विल बी कम्प्लीटेड, तो उसकी टारगेट डेडलाइन क्या है, कब तक उसका टारगेट मीट होना चाहिए, कब कम्प्लीट होगा. हाउ द रिजल्ट्स विल बी इवेल्युएटेड, तो जो रिजल्ट आएंगे उसको हम कैसे इवेल्युएट करेंगे. एंड इंक्लूडिंग इंडिकेटर्स फॉर मॉनिटरिंग, तो हमें अपने KPIs या KRA या इंडिकेटर्स बनाने सो दैट कि हम उसको उस ऑब्जेक्टिव को मॉनिटर कर सकते हैं. हाउ द एक्शन टू अचीव उसास ऑब्जेक्टिव विल बी इंटीग्रेटेड इनटू द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस प्रोसेस, तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको कैसे हम अपना इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने अल्टीमेट बिजनेस प्रोसेस बिजनेस गोल्स के साथ. सो द ऑर्गेनाइजेशन शैल मेंटेन एंड रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऑन द उसास ऑब्जेक्टिव एंड प्लान टू अचीव. तो हमें इसका डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन या रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना है और रखना है कि हम कैसे प्लान कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, हम टारगेट्स को अचीव करने के लिए क्या हमारे एक्शन प्लान है, हम कैसे कैसे उसको अचीव करेंगे. सो द ऑर्गेनाइजेशन कैन प्लान टू अचीव ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, तो हम इंडिविजुअली भी किसी ऑब्जेक्टिव का प्लान कर सकते हैं या कलेक्टिवली भी हम प्लान कर सकते हैं कि इंटीग्रेटेडली हम इन ऑब्जेक्टिव्स को इस तरीके से अचीव करेंगे. प्लान कैन बी डेवलप फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स वेयर नेसेसरी, तो आई हैव डिस्कस्ड, तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को भी एक साथ प्लान कर सकते हैं और उसका एक्शन प्लान डेवलप कर सकते हैं. सो द ऑर्गेनाइजेशन शुड एग्जामिन द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, तो हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि क्या रिसोर्स उसके लिए चाहिए. रिसोर्स कैन बी ए फाइनेंशियल, ह्यूमन, इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो जो रिसोर्स चाहिए वो हम प्रोवाइड करें. व्हेन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकेबल ईच ऑब्जेक्टिव शुड बी एसोसिएटेड विद एन इंडिकेटर विच कैन बी स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल, तो हमें हर ऑब्जेक्टिव के लिए कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड इंडिकेटर या ग्राफ या जिसका टारगेट और ट्रेंड हमें मालूम हो वो हम बनाएं. एंड दैट कैन बी ए स्ट्रेटेजिकल मीन्स लॉन्ग टर्म गोल और मे बी ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव. नाउ वी विल डिस्कस द सपोर्ट और रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू अचीव द उसास ऑब्जेक्टिव एंड टू अचीव द अल्टीमेट गोल दैट अनसेफ एनवायरनमेंट अनसेफ वर्क प्लेस. सो द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन एंड प्रोवाइड द रिसोर्स नीडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस एंड कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट ऑफ उसास मैनेजमेंट सिस्टम, तो हमें सारे रिसोर्स आइडेंटिफाई करने हैं. And we should have the rule making process. Rule making कौन करेगा, कौन हमारे procedures लिखेगा, formats बनाएगा, and how to implement those formats and rules, and how to maintain it, and how to think about the improvement of ultimate rules of the OSAS. So continual improvement के projects हम कैसे identify करेंगे. So that we have to determine कि each stage के ऊपर हमें क्या क्या resource की जरूरत होगी. So example of resource can include मतलब human being भी हो सकता है कि कौन rule बनाएगा, कौन कौन किसी team implementation में रहेगी, कौन उसको control करेगा. So it may be a natural infrastructure, technological and financial. Example of infrastructure includes organization building, plant, equipment, utility, information technology and communication system. एंड एमरजेंसी कंटेनमेंट सिस्टम, तो हमें हर लेवल पे रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है और रिसोर्स के जो एग्जांपल्स मैंने दिए उसमें से कुछ भी रिसोर्स हो सकता है. तो सारे टाइप के हमें रिसोर्सेज को इंक्लूड करना है. तो कंपिटेंसी कंपिटेंसी मीन्स कि हमारी वर्क फोर्स कितनी रेडी है, कितनी तैयार है, उसको कितनी नॉलेज है अबाउट द हीरा, अबाउट द हैजार्ड, अबाउट द रिस्क, अबाउट द इम्पैक्ट. So how much they are aware about their work and how much they aware about the safety norms, PPUs in that particular work area. So the organization shall determine the necessary competency of worker that affect
और कैन इफेक्ट इट्स उसास परफॉर्मेंस। तो हमें कॉम्पिटेंसी क्राइटेरिया डिफाइन करना है फॉर ईच वर्कर, एंड कॉम्पिटेंसी ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस। तो मिनिमम क्या रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर रोल के लिए या पर्टिकुलर जगह पर काम करने के लिए, एंड इंश्योर दैट वर्कर आर कॉम्पिटेंट। तो उन जो हमने क्राइटेरिया आइडेंटिफाई किया है, हमें इंश्योर करना है कि उसके लिए वो बिल्कुल तैयार हैं या कॉम्पिटेंट है, या उनको ये सारी चीज़ें मिनिमम रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल कर रहे हैं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट में भी ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन कि वो एटलीस्ट 10th पास हो, 12th पास हो, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग की उसका इंडक्शन हुआ है, एंड उसका हजार्ड आइडेंटिफिकेशन का या सेफ्टी की ट्रेनिंग हुई है। सो एट दी अप्रोप्रिएट लेवल मीन्स एजुकेशन बेस्ड, ट्रेनिंग बेस्ड और एक्सपीरियंस बेस्ड, सो वी हैव डिस्कस्ड। So where applicable, take action to acquire and maintain the necessary competencies and evaluate the effectiveness of the action taken. So जहाँ जहाँ पर हमें gap मिलता है कि हमारे को minimum competency ये चाहिए और जो actual वो आदमी जो perform कर रहा है उसके पास एक particular knowledge level या maybe उसके पास education में weak है, तो उसको ये चीज़ें नहीं मालूम है, then we have to plan for the training, उस competency gap को fill करना है। और ट्रेनिंग का इफेक्टिवनेस जरूर चेक करें कि हमने ट्रेनिंग दी है क्या वो इफेक्टिवली है, क्या उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर के थ्रू या उसकी एक्टिविटी के थ्रू या उस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर उसके ऑब्जेक्टिव मीट हो रहे हैं नहीं मीट हो रहे हैं। तो इफेक्टिवनेस को चेक करें कि क्या वो इफेक्टिव रही है हमारी ट्रेनिंग, या जो हमने गैप कॉम्पिटेंसी गैप फिलिंग के लिए जो एक्शन लिए हैं। तो रिटेन अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन एज एविडेंस ऑफ कॉम्पिटेंसी, तो हमें सभी का एविडेंस भी रखना है अबाउट दी कॉम्पिटेंसी कि हमने उनको कॉम्पिटेंसी के मिनिमम रिक्वायरमेंट को कैसे मीट किया है। द प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग टू मेंटोरिंग और द रीअसाइनमेंट ऑफ करंटली एम्प्लॉयड पर्सन और द हायरिंग और कंट्रैक्टिंग और कॉम्पिटेंट पर्सन। तो हमें ट्रेनिंग का प्रोविजन रखना, उनको ट्रेनिंग देनी है। मेंटोरिंग मीन्स कोई मॉनिटर करे उनको, कोई उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग के टाइम पे या उनको डे टू डू एक्टिविटी में उनको हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग दे, मीन्स उनको एक तरीके से जैसे क्लास में मॉनिटरिंग करते हैं वैसे एक मॉनिटर का रोल अदा करें। एंड हमें करंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी ये काम करना है, प्लस न्यू हायरिंग के लिए भी हमें कंपेयर करना है कि हमारी मिनिमम कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट क्या है पर्टिकुलर रोल के लिए। एंड आल्सो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्टर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि सब लोग कॉम्पिटेंट हों। सो द कॉम्पिटेंसी ऑफ वर्कर शुड इंक्लूड द नॉलेज एंड स्किल नीडेड टू अप्रोप्रिएट आइडेंटिफाई द हजार्ड्स एंड डील विद द उसास रिस्क एसोसिएटेड विद देयर वर्क एंड वर्क प्लेस। तो हम कॉम्पिटेंसी का मतलब यह है कि हमारे वर्कर्स को नॉलेज हो और वो कैसे हजार्ड्स के साथ डील करें और वो कैसे उससे रिलेटेड कोई रिस्क है तो उसका उनको मालूम है कि नहीं मालूम है, और वो अपने एरिया में कैसे सेफ्टी नॉर्म्स या पीपीई को या कंट्रोल्स को यूज़ करें। तो द एजुकेशन ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस नेसेसरी टू टेक द रोल एंड द री ट्रेनिंग नेसेसरी टू मेंटेन कॉम्पिटेंसी। तो ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग इसके ऊपर और एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर हमें रोल के हिसाब से पहले तो रूल बनाने हैं कि क्या मिनिमम है, और अगर कोई गैप है तो उसके अंदर फिर उनको रीट्रेन करके या ट्रेनिंग दे करके उसकी कॉम्पिटेंसी को गैप को फुलफिल करें। तो वर्क एनवायरनमेंट के बारे में उसको बिल्कुल क्लियर मालूम होना चाहिए, प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स क्या होंगे अगर रिस्क आ जाता है तो वो उसके बारे में हम नॉलेज दें उनको। द रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल टू दी उसास मैनेजमेंट सिस्टम हमारी कंपनी की क्या है वो क्लियरली सब लोगों को मालूम होनी चाहिए, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लीगल रिक्वायरमेंट है या अदर रिक्वायरमेंट है, हम पॉलिसी के ऊपर क्या उनको ट्रेनिंग दें, पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस ऑफ कंप्लायंस ऑफ नॉन कंप्लायंस इंक्लूडिंग द इंपैक्ट ऑफ वर्क हेल्थ एंड सेफ्टी। तो उनको बताएं कि अगर हम ये कंप्लायंस नहीं करते हैं या नॉन कंप्लायंस आता है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारे सेफ्टी से रिलेटेड एंड हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो द वैल्यू ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द उसास मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन देयर नॉलेज एंड स्किल। तो हम उनको बताएं कि आप कितनी इंपॉर्टेंट है अगर आप इसमें सपोर्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्ड एंड रिस्क एनालिसिस में, तो उनका पार्टिसिपेशन बहुत मस्त है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल क्लियर हो और विद देयर रोल्स एंड इंडिविजुअल कैपेबिलिटी इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस लैंग्वेज स्किल लिटरेसी एंड डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर भी हम कोशिश करें कि ब्रिज करें कि अगर उनके गैप है लैंग्वेज के अंदर वर्कर टू वर्कर या लिटरेसी लेवल में, तो हम इस तरीके से ईजी मैथड से सिस्टम
बनाए सो दैट कि वो गैप को जितना कम ब्रीच कर सके उतना ब्रीच करे. एंड रिलीवेंट अपडेटिंग दी कॉम्पिटेंसी मेड नेसेसरी फॉर कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क चेंज. तो अगर कोई चेंजेस की जरूरत है कॉम्पिटेंसी में तो वो हम चेंज करें डे टू डे. अगर हमने कुछ इम्प्रूव किया तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर रोल में कुछ कॉम्पिटेंसी की क्राइटेरिया चेंज हुए. वर्कर कैन असिस्ट दी ऑर्गेनाइजेशन टू डिटरमाइनिंग दी कॉम्पिटेंसी नीडेड फॉर रोल. वर्कर की भी हम सपोर्ट लें कि उस पर्टिकुलर रोल में क्या कॉम्पिटेंट होना चाहिए कितना उसको मालूम होना चाहिए. वर्कर शुड हैव नेसेसरी कॉम्पिटेंसी टू रिमूव देमसेल्फ फ्रॉम सिचुएशन इमीडिएट एंड सीरियस डेंजर. अगर कुछ सीरियस या इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो वो क्या कॉम्पिटेंट है उस जगह से निकलने के लिए इवैक्यूएट करने के लिए. तो फॉर दिस पर्पज इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वर्कर आर प्रोवाइडेड विद सफिशेंट ट्रेनिंग एंड हजार्ड एंड रिस्क एसोसिएटेड विद द वर्क. तो हम उसको हर वर्कर को एक पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग दें हजार से रिलेटेड और उससे रिस्क उससे क्या रिस्क आएंगे उसके पर्टिकुलर स्पेशली जहाँ पर वो काम कर रहा है. एज अप्रोप्रिएट वर्कर शुड रिसीव द ट्रेनिंग रिक्वायर्ड टू इनेबल देम टू कैरी आउट देयर रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी इफेक्टिवली. इन मैनी कंट्रीज वो जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उसका कोई कॉस्ट का इम्पैक्ट वर्कर्स के ऊपर नहीं होता. सो अवेयरनेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं सारे वर्कर्स को थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन विद रिलेटेड टू पॉलिसी विद रिलेटेड टू देयर रिस्पेक्टिव वर्क. जहाँ भी प्रोसेस में काम कर रहे हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्या है देयर कंट्रीब्यूशन टू इफेक्टिवनेस ऑफ उसास मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग बेनिफिट ऑफ इम्प्रूव उसास परफॉर्मेंस. तो उनको हम बताएं कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए और उससे क्या बेनिफिट होंगे ओवरऑल अगर हमारी उसास की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है तो. So the implication and potential consequences of not conforming of USAS measurement system. तो उनको ये भी बताएं कि अगर हम नहीं करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपकी लाइफ पे ऑर्गेनाइजेशन पे एंड इवन द कंट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. तो इंसिडेंट एंड अदर आउटकम ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट आर रिलीवेंट टू देम. तो अगर कुछ इंसिडेंट हुए हैं या उनके कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ रूट कॉज निकला है या उसकी आउटकम निकली है तो वो भी हम उनको अवेयर करें कि अगर उनसे रिलेटेड है तो. हजार्ड्स एंड उसास रिस्क एक्शन डिटरमाइंड दैट आर रिलेवेंट टू देम. तो क्या हजार्ड्स हैं क्या रिस्क हैं और क्या हम एक्शन ले रहे हैं उनके रिस्पेक्टिव रोल के एरिए में तो वो उनको अवेयर होना चाहिए. द एबिलिटी टू रिमूव देमसेल्फ फ्रॉम वर्क सिचुएशन दे दैट दे कंसीडर प्रेजेंटेड इमीडिएट एंड सीरियस डेंजर टू देयर लाइफ और हेल्थ एज वेल एज द अरेंजमेंट फॉर प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम अनड्यू कॉन्सिक्वेंसेस फॉर डूइंग सो. तो हम उनको अवेयर करें कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो वो कैसे इवैक्यूएट करेंगे कैसे हम डील करेंगे उस समय पर क्या हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे सो दैट कि उनको कोई हेल्थ का या कोई लाइफ का कोई इशू ना हो जाए. तो इन एडिशन टू वर्कर स्पेशली टेम्परेरी वर्कर कॉन्ट्रेक्चुअल विजिटर्स अदर पार्टी शुड अवेयर ऑफ दी उसास रिस्क विच दे आर एक्सपोज. तो हमें सबको कवर करना है इसके अंदर टेम्परेरी वर्कर्स को भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स को भी जो हमारी प्लांट में विजिटर हैं उनको भी. तो सभी को रिस्क के बारे में मालूम होना चाहिए और अगर उस रिस्क के साथ वो एसोसिएट या उस हजार से एसोसिएट एक्सपोज हो जाते हैं तो उनको क्या करना है. सो दैट अवेयरनेस ट्रेनिंग शुड बी गिवन टू थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कम्युनिकेशन. सो द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टैब्लिश इंप्लीमेंट एंड मेंटेन द प्रोसेस. तो हमें कम्युनिकेशन के लिए प्रोसेस बनाना है उसके लिए रूल बनाने देन वी हैव टू इंप्लीमेंट दोज रूल्स एंड मेंटेन and monitor those rules. And it is not only for for internal and external communication jo osas management system ke liye hame chahiye. So on what it will be communicated, so kab hum usko communicate karenge kya communicate karenge and kisko communicate karenge and kis level pe matlab top level medium level and execution level worker level pe और हम कॉन्ट्रैक्टर और विजिटर्स को उनके वर्क प्लेस पर कैसे कम्युनिकेट करेंगे अमोंग अदर इंटरेस्टेड पार्टीज को कैसे कम्युनिकेट करेंगे एंड हाउ टू कम्युनिकेट हम कैसे कम्युनिकेट क्या मीडिया रहेगा. तो इसके लिए हमें एक पूरा प्रोसेस और रूल्स बनाना है. सो द ऑर्गेनाइजेशन शैल टेक इनटू अकाउंट डाइवर्सिटी एस्पेक्ट जेंडर लैंग्वेज कल्चर लिटरेसी एंड डिसेबिलिटी व्हेन कंसीडरिंग द कम्युनिकेशन नीड्स. जब भी हम कम्युनिकेशन का सिस्टम बनाए तो हम ये ध्यान रखें कि हमारे जेंडर्स को भी कवर करें मेल और फीमेल के लिए हो. लैंग्वेज का भी ध्यान रखें कि हिंदी इंग्लिश दोनों में हो. कल्चर का भी ध्यान रखें कि कोई ऐसे वर्ड्स यूज ना करें जो उनके कल्चर के लिए उनको हर्ट कर जाए.
एंड उनका लिटरेसी लेवल क्या है, अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो उनके लिए क्या कम्युनिकेशन सिस्टम चैनल होगा हमारे यहाँ, वो भी हम पर्टिकुलरली अपने प्रोसेस के अंदर डिफाइन करें। सो द ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर दैट द व्यूज ऑफ एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टी आर कंसीडर्ड इनटू एस्टैब्लिशिंग इट्स कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो जब हम कम्युनिकेशन प्रोसेस बना रहे हैं तो हम ये भी ध्यान रखें कि हमारी कौन कौन एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज हैं और उन वो कौन सी लैंग्वेज को समझते हैं और किस तरीके से उनको हम कम्युनिकेट करेंगे। When establishing this communication process, the organization shall take into the account its legal requirement, other requirements. So legal requirements or other requirements को कैसे communicate करेंगे उसको भी ध्यान में रखना है। Ensure that SAS information to be communicated in consistent with information generated with SAS management system, it's reliable. तो वो reliable information हो, true information हो, और वो उसको कैसे हम properly reliable information को कम्युनिकेट करें। द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिस्पॉन्ड टू रिलीवेंट कम्युनिकेशन ऑन इट्स सास मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो वो रिलीवेंट होनी चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन एज एविडेंस ऑफ इट्स कम्युनिकेशन एज एप्रोप्रिएट। तो जहाँ जहाँ पर पॉसिबल है उस कम्युनिकेशन को इंफॉर्मेशन को हम ऐसा मेंटेन करें उसके रिकॉर्ड को। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंटरनल कम्युनिकेशन। द ऑर्गेनाइजेशन शैल internally communicate information relevant to OSAS management system among the various level and function of the organization including change of the OSAS management system as appropriate. So hame har level ke upar communicate karna hai, agar kuch changes ho rahe hain to wo bhi hame communicate karna hai with respect to OSAS management system usse related koi information. So ensure its communication process enable to worker to contribute for the continuous improvement. तो हम ये ध्यान रखें कि जो हमारा कम्युनिकेशन चैनल है वो वर्कर्स को मोटिवेट करे फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में द ऑर्गेनाइजेशन शैल एक्सटर्नली कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू ओसास मैनेजमेंट सिस्टम एज एस्टैब्लिश्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड टेकिंग अकाउंट इन लीगल रिक्वायरमेंट अदर रिक्वायरमेंट। तो हमें एक्सटर्नली जो कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन देनी है ओसास से रिलेटेड उसको भी उसके लिए भी रूल्स बनाने हैं अपने प्रोसेस के अंदर, और ये ध्यान रखना है कि उसमें लीगल रिक्वायरमेंट और अदर रिक्वायरमेंट को भी हम प्रॉपरली कम्युनिकेट करें। सो द कम्युनिकेशन प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड फॉर गैदरिंग अपडेटिंग एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हम कैसे इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे और कैसे हम पता करेंगे कि वो इंफॉर्मेशन ठीक है, तो इसका भी हम ध्यान रखें अब जब हम कम्युनिकेशन प्रोसेस अपना डिजाइन कर रहे हैं। इट शुड इंश्योर दैट रिलीवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइड। तो जो उस हमारे ऑर्गेनाइजेशन या हमारे प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन या हमारे उत्पाद के लिए ज़रूरी है, वही इंफॉर्मेशन एटलीस्ट हम प्रोवाइड करें एंड इज रिसीव्ड एज अंडरस्टेबल टू ऑल रिलीवेंट वर्कर एंड। तो वो जो इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो अंडरस्टूड कर सकें उस प्लेटफॉर्म या उस मीडिया उस लैंग्वेज को हम सेलेक्ट। So thank you for watching and we will discuss other requirements in the next video.